सो नमस्कार और स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आई एस पॉइंट के डेली करंट अफेयर एनालिसिस सेशन में। और बात करें आज के डिस्कशन की तो मैं शिवम आप सभी का स्वागत करता हूं 5G तकनीक के इस इम्पॉर्टेंट सेशन में। और बात करें आज के डिस्कशन की तो वो अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वक्त जिस तकनीक से हम और आप जुड़े हुए हैं एक दूसरे से उसका नाम है 4G, लेकिन इसकी नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है जिसका नाम है 5G, और ये आने वाली है। तो इससे संबंधित जितने भी आस्पेक्ट हैं उसको आज हम इसी सेशन के अंतर्गत फुल्ली फॉर्म में डिस्कस करेंगे, तैयार करेंगे और हमेशा के लिए तैयार भी रखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसके डिस्कशन को। इसमें सबसे पहले पॉइंट हमें समझेंगे कि चर्चा में क्यों है, इसके बाद इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को, और इसके बाद निष्कर्ष और इससे संबंधित जितने भी टॉपिक होंगे इस प्रकार हम कंप्लीट हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे और हम समझ भी लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसके डिस्कशन को। बात करें कि चर्चा में क्यों, तो हम जानते हैं कि 5G के बारे में पिछले 2 सालों से चर्चा हो रही है, और अब चीन, अमेरिका, जापान और यहाँ तक कि दक्षिण कोरिया जैसे देशों में इसका इस्तेमाल भी शुरू हो चुका है। और जबकि हम पिछले साल भी अपने गवर्नमेंट के द्वारा कई ऐलान सुन चुके हैं कि सितंबर के महीने तक 5G का जो है प्रयोग होने वाला है, और केंद्रीय संचार मंत्री ने भी ये कहा है कि सरकार इसी साल स्पेक्ट्रम और 5G सेवाओं के लिए नीलामी आयोजित करने की योजना बना रही है, यानी कि स्पेक्ट्रम की नीलामी के अंतर्गत ही इस योजना को स्टार्ट किया जाएगा। आप समझते हैं कि 5G टेक्निक क्या है। तो यदि बात करें 5G क्या है, तो 5G इंटरनेट की 5वीं पीढ़ी है, यानी 5th जनरेशन है, और इसे डाटा ट्रांसफ़र करने का अब तक का सबसे कुशल, तेज और सुरक्षित तरीका भी माना जा रहा है। फिलहाल भारत में 4G मोबाइल कम्युनिकेशन तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि आप सभी भली भांति परिचित होंगे। तेज रफ्तार डाटा ट्रांसफ़र, कम लेटेंसी होने के कारण 5G अपनी पिछली पीढ़ियों से काफ़ी बेहतर, यानी कि 5G जो है हमारी इस स्मार्ट लाइफ जो हम जीते हैं इस स्मार्टफोन के जरिए, वो अपने आप में उसको और भी ज़्यादा बेहतर करेगी, उसमें और भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर देगी। तो कम लेटेंसी, यहाँ पे एक लेटेंसी वर्ड आया है, इसके बारे में अभी जस्ट हम नीचे पढ़ने वाले हैं कि लेटेंसी किसे कहते हैं। तो कम लेटेंसी होने के कारण इसकी स्पीड काफ़ी बेहतर होगी अपनी पिछली पीढ़ियों के कंप्यूटर से, या पिछली पीढ़ियों के जो भी जनरेशन की 4G थी, 3G थी या 2G थी, उन सबसे बेहतर होगी। अब समझते हैं डाटा लेटेंसी क्या होती है। तो डाटा के समूह को सेंडर से रिसीवर तक पहुंचने वाले समय को ही लेटेंसी कहा जाता है, यानी एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक जब कोई डाटा ट्रांसफ़र होता है इसके दौरान जो समय लगता है उसी को हम लोग लेटेंसी कहते हैं। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि लेटेंसी क्या होता है। समझते हैं नेक्स्ट आस्पेक्ट को कि 4G नेटवर्क की अधिकतम स्पीड अब तक 45 मेगाबाइट प्रति सेकंड रिकॉर्ड की गई है, 5G में यह स्पीड 1 गीगाबाइट प्रति सेकंड तक पहुंच जाएगी, यानी अब तक ये 45 मेगाबाइट थी, लेकिन 5G की मदद से 1 गीगाबाइट प्रति सेकंड तक इसकी स्पीड पहुंच जाएगी। यानी मोटे तौर पे हम कहें तो 5G के आने पर हमारे मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट 20 गुना तेज़ी से चलने लगेगा, जबकि पहले जो भी चलता था उसके रेशियो में 20 गुना तेजी से चलना शुरू कर देगा। अब समझते हैं इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। तो बात करें 5G 4G के मुकाबले स्पेक्ट्रम का बेहतर इस्तेमाल करती है, जिससे उसकी क्षमता काफ़ी बढ़ जाती है। 5G से 20 GBPS की अधिकतम स्पीड मिल सकती है, यानी कि इससे 20 GB तक, 1 GB से लेके 20 GB तक इसकी जो है अधिकतम स्पीड मिल सकती है। सीधे शब्दों में कहें तो 5G की मदद से इंटरनेट की डाउनलोड और अपलोड स्पीड कई गुना तेज़ हो जाएगी, यानी कि एग्जांपल की बात करें तो एक फुल HD मूवी आपको डाउनलोड करने में मात्र 2 से 3 सेकंड लगेंगे, आप उसको डाउनलोड कर लेंगे। तो ये होगी 5G की स्पीड। अब समझते हैं कि जी का क्या मतलब है, जी का जो वर्ड्स का यूज होता है इसको समझते हैं। जी फॉर होता है जनरेशन, तो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, उसके बाद थर्ड जनरेशन, उसके बाद फोर्थ जनरेशन में 4G, और फिफ्थ जनरेशन में हम 5G से परिचित हुए हैं। अब समझते हैं ये जनरेशन की उत्पत्ति कब हुई, इनकी टाइमलाइन क्या थी। तो बात करें कि 1G की जो शुरुआत है 1980 के दशक में हुई थी, और 2G 1991 में, आपको याद होना चाहिए जो 1G आया था फर्स्ट जनरेशन वो 1980 में, 2G 1991 में, और 3G की बात करें तो 2001 में, 2000 से लेकर 2001 के समय में ये लॉन्च हुई थी। ये 3G की कहानी है। इसके बाद अगर 4G की बात करें तो ये हमारे यहाँ 2010 से इसका जो मोबाइल ब्रॉडबैंड युग शुरू हो गया 4G का। अब बात करें नेक्स्ट आस्पेक्ट की, तो 4G जो है 45 MBPS की अधिकतम स्पीड देता है, हम जानते हैं। वहीं जो 5G है इससे 20 गुना तेज, यानी कि लगभग 1 GBPS की स्पीड देगा। 4G में नेटवर्क लेटेंसी 40 से 50 मिलीसेकंड होती है, वहीं 5G में यह बढ़कर 1 मिलीसेकंड तक हो जाएगी, 1 मिलीसेकंड तक हो जाएगी, जो अपने में बहुत ही ज़्यादा है। समझते हैं लेटेंसी जितनी कम होती है,
लेटेंसी जितनी कम होगी डाटा ट्रांसफ़र की गति उतनी ही तेज़ होगी। 5G तकनीक में मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम अहम भूमिका निभा रहा है। मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम, ये आपको याद रखना पड़ेगा, एक वर्ड है जो 5G से रिलेवेंट है, उससे रिलेटेड है। अब समझते हैं कि मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो 30 से 300 GHz फ्रिक्वेंसी को मिलीमीटर वेव्स कहा जाता है, यानी 30 से 300 GHz की आवृत्ति को ही मिलीमीटर वेव्स कहा जाता है। अब इन्हें मिलीमीटर वेव्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह आकार में 1 से 10 मिलीमीटर की होती हैं। मौजूदा जो 4G तकनीक में 6 GHz से लेके 6 GHz से नीचे की वेव फ्रिक्वेंसी का इस्तेमाल किया जाता है, यानी जो वर्तमान में हम यूज कर रहे हैं 4G टेक्निक, इसमें 6 GHz से नीचे की वेव फ्रिक्वेंसी का इस्तेमाल किया जाता है। देखते हैं आगे, बात करें 5G नेटवर्क की, तो 3400, 3500 तथा 3600 मेगाहर्ट्स बैंड वाइड्स पर ये चल सकते हैं, जिसमें से कि 3500 मेगाहर्ट्स बैंड की एयर वेव्स 5G के लिए सबसे उपयुक्त है, यानी कि एयर वेव्स जो 5G है उसके लिए 3500 मेगाहर्ट्स बैंड रिक्वायरमेंट है। अब यह तकनीक वर्चुअल रियलिटी, ऑटोमेटिक ड्राइविंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए आधार बनने जा रहा है। यह सिर्फ आपके स्मार्टफोन इस्तेमाल करने के अनुभव को बेहतर नहीं करने वाला है, बल्कि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और यहाँ तक कि मैन्युफैक्चरिंग के विकास में भी मदद करने वाला, यानी कि अपने आप में हमारे औद्योगिकरण, हमारे इकोनॉमिक्स में बहुत ही बड़ा हेल्पफुल होने वाला है। अब बात करें 5G टेक्नोलॉजी का आधार, तो अगर बात करें 5G टेक्नोलॉजी का आधार, तो ये 5 तकनीकों से बनता है। पहला है मिलीमीटर वेव, जिस पे हम अभी जस्ट अभी ऊपर डिस्कशन किए हैं कि इसी के 30 से 300 GHz को बोलते हैं हम लोग। सेकेंड पॉइंट है छोटे सेल्स, थर्ड है मैक्सिमम मीमो बीम फार्मिंग फुल डुप्लेक्स। तो ये 5 तकनीकों के आधार पर 5G का आधारशिला रखी जाती है। अब समझते हैं नेक्स्ट, 5G ट्रैफिक कैपेसिटी और नेटवर्क एफिशिएंसी में भी 20 GB प्रति सेकंड की स्पीड देने में सक्षम है, जो कि अपने आप में बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही बेहतर है। अब समझते हैं निष्कर्ष को कि दुनिया के लगभग सभी विकासशील देश 5G तकनीक को विकसित करने की होड़ में लगे हुए हैं। यहाँ तक कि दक्षिण कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस, जापान जैसे देश जल्द ही 5G सेवाओं को शुरू करने की उम्मीद भी कर रहे हैं, तो भारत भी क्यों पीछे रहता है, भारत भी अपनी होड़ में लगा हुआ है। अब बात करें भारत में जो है 5G तकनीक, अगर बात करें भारत भी 5G तकनीक को जल्द से जल्द आम जनता तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। हालांकि इसके लिए भारत को कई महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि भारत में हम जानते हैं, देखिए सबसे बड़ी समस्या क्या है कि 4G भी अपने आप में कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर 4G की अवेलेबिलिटी भी कम है। तो इन सब फैक्ट्स को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। तो लिखा है कि भारत में डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल इकोनॉमी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाली 10 वर्षों में 5G भारत की अर्थव्यवस्था में $1 ट्रिलियन का योगदान करेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने 2024 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। तो ये जो हम कदम 5G वाला होगा, तो वो अपने आप में बेहतर कदम होगा, बेहतर प्रोसेस होगा अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का। अब बात करें कि 5G भारत की अर्थव्यवस्था में $1 ट्रिलियन का योगदान करेगा, साथ ही डिजिटल इंडिया के तहत डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देकर 5G तकनीक भारत के 2024 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था को बनाने के लक्ष्य में भी अहम भूमिका निभा सकता है। तो ये रहे सभी एस्पेक्ट किससे संबंधित, 5G से संबंधित। उम्मीद है आप सभी समझे होंगे, आप सभी तैयार भी किए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।